नमस्ते, आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम आस्वादन कर रहे थे शैल रस्तोगी जी की एकांकी भटकन। हमने देखा एक मध्यवर्गीय परिवार की कथा है भटकन। दिवाकर और कला के परिवार की कुछ बातें उसमें दिखाई जा रही है। दिवाकर ऑफिस में काम करते हैं और कला कॉलेज में। अखबार में एक लड़के द्वारा अपने ही पिता पर गोली चलाई जाने की खबर पढ़कर दिवाकर काफ़ी दुखी हो जाता है। दुखी ही नहीं, डर भी जाता है। आजकल की जनरेशन के बच्चे न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, और इसी विषय को लेकर उनका बेटा काफ़ी दार्शनिक भाव से उसकी ज़िंदगी में हुई भटकन की बात करता है। वो उसकी ज़िंदगी की भटकन का कारण अपने ही माता पिता को मानता है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। दे सकती भटकते हुए अंधी गलियां भी मिलती हैं, और उजाड़ खंडर सी उजालों की बस्तियों से भी हम टकराते हैं, पर कहीं मन टिक नहीं पाता। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तीसरे तक भटकन, केवल भटकन, भटकन का कहीं अंत नहीं। तो ये एकांकी का टाइटल भी यही है, भटकन। मनुज जो लड़का है वो कह रहा है कि वो काफ़ी भटक चुका है ज़िंदगी में। पहले भी हम कह चुके हैं कि वो फेल हो चुका है, तो नेचुरली उसके माता पिता उसको हमेशा टोकते होंगे, गुस्सा करते होंगे। फेल होने का दुख माता पिता को ज़्यादा होता है, तो वे उस पर गुस्सा करते हैं, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये मनुज क्या करता है, भटकने लगता है। शांति पाने के लिए वो बाहर निकल जाता है, और बाहर उसे क्या मिलती है, अंधी गलियाँ मिलती हैं, उजाड़ खंडर मिलता है। वहाँ बहुत सा भटकना होता है उसका, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक, इस प्रकार भटकन केवल भटकन रह जाता है, भटकन का कहीं अंत नहीं। सच कहता है तू मनुज, भटकन आदमी को भटकाती है, भटकाती ही रहती है। आदमी खुद कभी भटकना नहीं चाहता, उसको भटकने के लिए मजबूर करता है उसका परिवेश, उसकी स्थितियाँ। आदमी इन सब से बच नहीं पाता। हम घर से बाहर भागते हैं, क्यों भागते हैं बाहर की ओर? हमारा मन घर की बंद दीवारों से समझौता नहीं कर पाता, और बाहर सहारे की कोई छत ऊपर नहीं होती, इसलिए हम भटकते हैं। क्या यही हमारी नियति है? अब मनुष्य के साथ बहन भी जुड़ जाती है, फिलोसॉफिकल हो जाती है। वो कहती है कि आदमी खुद भटकना नहीं चाहता, लेकिन आदमी मजबूर होता है भटकने के लिए। क्या मजबूर करता है आदमी को? उसका परिवेश और उसकी स्थितियाँ। आदमी इन सब से बच नहीं पाता। किन सब से बच नहीं पाता? अपने परिवेश और अपनी स्थितियों से। देखिए, आप किसी परिवार में हैं तो आप परिवार से बच नहीं सकते। आपके माता पिता काफ़ी गुस्सेले हैं या फिर हमेशा टोकते रहते हैं, तो वो आपका परिवेश है, वो आपकी स्थिति है, वो एक फैक्ट है, उससे आप बच नहीं सकते। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या करता है, बाहर की ओर भागता है, और लेकिन बाहर क्या मिलता है उसे? घर की बंद दीवारों से छुटकारा तो मिलता है, लेकिन बाहर सहारे की कोई छत ऊपर नहीं होती। ऐसा नहीं कि घर से बाहर निकले और बाहर आपको किसी ने सहारा दे दिया, ये मुश्किल बात है। तो इसीलिए भटकना होता है। तब दिवाकर द्रुतगति से प्रवेश करता है। हाँ, यही तुम लोगों की नियति है, घर की दीवारों के तुम बंदी नहीं होना चाहते। तुम्हें चाहिए खुला आकाश, पर खुला आकाश कहाँ नहीं है, इधर उधर सब और खुला आकाश दिखाई देता है, इसलिए तुम वहाँ भी एक रास्ता से ऊब जाते हो और फिर घर की ओर भागते हो। अब बच्चों की ये बातचीत सुनकर दिवाकर कहता है, हाँ यही तो मुश्किल है, तुमको बंद दीवारें पसंद नहीं, तुम बच्चों को, इसलिए तुम ऊब जाते हो। घर में बंद दीवारें देख कर तुम ऊब जाते हो और बाहर जाते हो खुले आकाश की कामना लेकर, लेकिन बाहर क्या है, ज़्यादा ही खुलापन है, तो वहाँ पे भी तुम ऊब जाते हो, एक रास्ता से ऊब जाते हो और फिर घर की ओर भागते हो। कभी तुमने समझने की चेष्टा की है माँ बाप के प्यार को समझने की? तुम लोग प्यार के हकदार तो होना चाहते हो, पर ताड़ना के नहीं। अब दिवाकर कहता है, हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी जनरेशन की दिक्कत क्या है,
तुम लोग प्यार तो चाहते हो माता पिता के, लेकिन किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन या फिर आदेश निर्देश ये पसंद नहीं है आपको। पेरेंट्स के नाते तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करते जाना चाहिए, उसमें प्यार भी होना चाहिए, तुम्हारी दूसरी ज़रूरतें भी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन तुम लोगों को पसंद नहीं। सोच कर देखो, क्या ताड़नाएं अकारण होती हैं? जो प्यार करेगा दुलराएगा, क्या वह बुरे काम पर लताड़ेगा नहीं? अब दिवाकर पिताजी पूछते हैं कि देखो, जो प्यार करता है, ये अक्सर हम घर में सुनते हैं, भाई हम तुम्हें प्यार करते हैं इसलिए तुम्हारे बारे में काफ़ी चिंतित हैं, इसीलिए तो गुस्सा करते हैं। अब अगर आप तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हें तुमसे हम प्यार नहीं करते, तो तुम कैसे भी जाओ, तुम ड्रग्स ले लो, तुम शराब पियो, तुम घूमो रात भर, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये अक्सर हमारे घर में भी माता पिता कहते हैं, हम भी अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो, पड़ोसी का लड़का ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे फ़र्क है तुम्हारे बारे में, मुझे चिंता है तुम्हारे बारे में। हम अपने बच्चों को ऐसे ही कहते हैं। ज़रूर लताड़ेगा, इतना लताड़ेगा कि उस ताड़ना में प्यार का एक तिनका बनकर बह जाएगा। हमें इतना हल्का प्यार नहीं करना चाहिए पापा, जो आंधी में एक तिनके जैसा ही रह जाए। अब मनुज कहता है कि आप लोग प्यार बहुत कम करते हैं, एक तिनके के समान, और आंधी में वो तिनका उड़ जाता है। हमें तिनके के समान बहुत कम प्यार की ज़रूरत नहीं है, हमें प्यार चाहिए, केवल प्यार, जिसे न ताड़नाएं मिटा सकें न लांछनाएं। आपका प्यार हमें ज़िंदगी के शिखर पर पहुंचा सकता है, पर आपकी उपेक्षा हमारे व्यक्तित्व को बौना बनाकर रख देगी। आपकी जो उपेक्षा है, आप गुस्से में आकर जब हमारी तरफ उपेक्षा का भाव रखते हैं, तब क्या होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी है एकदम सिकुड़ कर बौना बन जाता है, हम एकदम नगण्य बन जाते हैं। आप प्यार कीजिए, हमें ताड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ताड़ना ज़्यादा हो जाती है, प्यार इतना कम हो जाता है कि तिनके के समान हो जाता है, आंधी में उड़ जाता है। और उसके बाद जब गुस्से में आकर आप हमारी उपेक्षा करते हैं माता पिता, तब बच्चों का व्यक्तित्व जो है एकदम बौना बनकर सिकुड़ कर रह जाता है। अब मनुज की इस बात को नीरू भी सपोर्ट करती है। ठीक कह रहा है मनुज, पापा आपके पास कहाँ समय है बच्चों के लिए, घर के लिए, हम भाग्य के सहारे पलकर बड़े हो गए, भाग्य ही हमें रास्ता दिखाएगा आगे भी, हम इतने भाग्यवादी क्यों हो गए पापा? जानते हैं आपकी उपेक्षाओं ने हमें जो लाचारियाँ दी हैं। अब देखो, नीरू कहती है कि आपके पास टाइम भी कहाँ है, आप अपने नौकरी में इतने बिजी हैं, ऑफिस में बिजी हैं, वर्किंग डेज में बिजी हैं, हॉलीडेज में बिजी हैं, तो हम तो यूं ही पल गए, भाग्य के सहारे बड़े हुए, अब आगे की जो ज़िंदगी है वो भी हम भाग्य के सहारे ही जी लेंगे। घर का अकेला लड़का मनुज कितना उपेक्षित, कितना लांछित, कब घर में आता है, कब घर से जाता है, कौन देखने वाला है, किसको फुर्सत है, मम्मी कॉलेज में, पापा ऑफिस में, घर खाली दीवारों का नाम नहीं है पापा, घर नाम है एक ऐसे माहौल का जिसमें प्यार रचा बसा रहता है, जिसमें सबके दुख दर्दों का संचरण एक साथ मुखर रहता है, जिसकी हवा में आत्मीयता की गंध होती है। क्या हमारा घर घर है पापा? अब देखो, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न मनुष्य पूछता है कि ये जो घर है ये क्या घर है हमारा, क्योंकि यहाँ क्या है, एक तो लड़का है मनुज, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, बेटे के नाम पे मैं ही हूँ, मैं कब घर आता हूँ, कब जाता हूँ, कौन देखने वाला है, किसी को फुर्सत है यहाँ, क्योंकि मम्मी जो है कॉलेज में काम करती हैं, पापा आप ऑफिस में रहते हैं, और ये हमारे दुख दर्द को बांटने में इस घर में है ही नहीं कोई, कब कौन आता है कौन जाता है इसका लेखा जोखा रखने वाला यहाँ है ही कौन। घर एक थाई है, जैसे थाई को छूकर खिलाड़ी के सिर पर जीत का सेहरा बंध जाता है, वैसे ही घर की थाई को छूकर हमें घर आने का एहसास हो जाता है। जैसे रेसिंग में करते हैं ना हम लोग, जो एक थाई बांध दी जाती है जहाँ टच करके विनर को सेलेक्ट किया जाता है, तो सभी रेस करके आते हैं और छू लेते हैं उस थाई को, तो वो जीत जाता है।
ये घर भी वैसे ही है, हम पहुंच तो जाते हैं, मन में काफी अरमान लेकर पहुंचते हैं कि चलो घर पहुंच गए, काफी उम्मीद लेकर घर पहुंचते हैं, लेकिन घर आने पर क्या एहसास होता है? लेकिन घर आने पर यह एहसास कितना खोखला होता है, क्षण भर में ही तो जैसे सब कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है। तो जैसे खिलाड़ी थाई को छूकर जीत जाता है, वही एहसास लेकर हम घर आते हैं कि चलो हम जीत गए, हम घर पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो सूनापन होता है। हम कब आते हैं, कब जाते हैं, कोई है होता ही नहीं घर में। मुझे लगता है तुम लोग किसी नाटक के डायलॉग्स बोलने लगे हो। गजब का कमेंट हो गया है तुम लोगों का भाषा पर, क्या कहने हैं। घर एक ऐसे माहौल का नाम है, घर एक थाई है, तुम लोगों का क्रिएटिव माइंड पूरी तरह विकसित हो चुका है, मुझे तुम पर गर्व है। अब देखो दिवाकर बच्चों के मुंह से ऐसे ऐसे लंबे लंबे डायलॉग सुनकर, अब देखो दिवाकर बच्चों के मुंह से ऐसे दार्शनिक डायलॉग्स, फिलोसफिकल डायलॉग्स सुनकर कहता है कि तुम लोगों का क्रिएटिव माइंड काफ़ी विकसित हो चुका है, मुझे तुम पर गर्व है। आप किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते पापा, सब कुछ हंसी में टाल देने की आपकी ये आदत बहुत गंदी है। आज जब मैं घूमने गया अपने दोस्तों के साथ तो सबने मुझे बधाई दी मेरे जन्मदिन की, पर यहाँ घर में किसे याद है कि आज से ठीक 15 वर्ष पहले इसी घर में कोई लड़का जन्मा था। और अब देखो मनुष्य कहता है आप तो कुछ सीरियसली लेते ही नहीं पिताजी, हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, मतलब कि बच्चे जो हैं बातों ही बातों में, एक छोटी सी अखबार की खबर लेकर बच्चे अपने जीवन को काफ़ी फिलोसफिकली माता पिता के सामने बच्चे अपने जीवन को काफ़ी फिलोसफिकली डिस्क्राइब करते हैं कि उनका घर उनको कैसे लगता है, उनके माता पिता की ताड़ना उन्हें किस प्रकार उनके व्यक्तित्व को बौना कर देती है, तब पिता उसे काफ़ी लाइटली लेते हैं। पिता क्या कहते हैं, तुम लोगों का क्रिएटिव माइंड पूरी तरह विकसित हो चुका है, मुझे तुम पर गर्व है। अब इस पर मनुष्य कहता है आप हर चीज़ को इतना सिल्ली, आप हर चीज़ को इतना लाइटली क्यों लेते हैं। अब देखिए आज मैं जब बाहर गया तो मेरे दोस्तों ने मुझे विश किया, मेरा बर्थडे है आज, इस घर में किसको खबर है कि आज से 15 साल पहले यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ था। तो उस समय माँ प्रवेश करती है, कला शॉपिंग के बाद आ जाती है और हम लोगों ने उसका नाम मनुज रखा था, बड़े लाड़ से उसका लालन पालन किया था, प्यार की थपकियाँ दी थी, दुलार की लोरियाँ उसके लिए गाई थी, पर यह सब वह मनुज नहीं जानता। उसे तो केवल एक बात याद है कि उसे डांटा क्यों जाता है, पढ़ने की बार बार उसे क्यों याद दिलाई जाती है। अब माँ कहती है हाँ मनुष्य को बस यही याद है, हमने उसके लिए लोरियाँ गाई, प्यार की थपकियाँ दी, उसका लालन पालन बड़े प्यार से किया, ये सब तो मनुष्य भूल गया। मनुष्य को केवल इतना याद है कि हम उससे डांटते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, और वो कला बड़े प्यार से मनुष्य के सिर पर हाथ फेर कर, यही ना पागल कहीं का, तो क्या मम्मी तुम्हें मनुष्य के जन्मदिन की याद थी? अब लड़की पूछती है नीरू, मुझे भला क्यों याद होने लगी, दोस्त बधाई दे दें तो उनकी बधाई ही सब कुछ है। अब देखो कला कहती है भाई हम कौन हैं, इसके लिए तो दोस्त ही सब कुछ हैं, दोस्त ने बधाई दे दी तो वही बड़ी बात हुई। तुम हमारी लाचारियों को नहीं समझते बेटा, नौकरी हमारी लाचारी है, मेरी भी कला की भी, बढ़ती हुई महंगाई में हम दोनों नौकरी ना करें तो यह घर नहीं चल सकता। अब देखो सीरियस हो जाते हैं दिवाकर, वो कहते हैं ये जो नौकरी है, हम नौकरी के पीछे भागते हैं पापा और मामा, ये हमारी लाचारी है, नौकरी के बिना हम कैसे जिएंगे, बढ़ती हुई महंगाई में हम दोनों नौकरी ना करें तो यह घर कैसे चलेगा। पापा फिर आप बीच में ही बात काट रहे हैं, प्रश्न है मनुष्य के जन्मदिन का, किसी को भी तो याद नहीं रहा, वो तो मनुष्य के दोस्तों को याद था। अब नीरू फिर मनुष्य के जन्मदिन की बात उठाती है, वो कहती है कि यहाँ मनुष्य के जन्मदिन की बात चल रही है, किसी को भी याद नहीं रहा और मनुष्य के दोस्तों को याद रहा। हाँ मनुष्य के दोस्तों को ही याद था, बास्केट से एक पैकेट निकाल कर, और यह पैकेट हम यूं ही ले आए बिना किसी ओकेशन के, बिना किसी याद के, और वो पैकेट मनुष्य की ओर बढ़ाकर,
लो बेटे, यह तुम्हारे लिए है। उस दिन तुम्हें ऐसा ही पुलोवर पसंद आया था और पैसों की व्यवस्था न होने के कारण तुम्हारी इच्छा पूरी न कर पाने का अफसोस हम दोनों को कितना रहा, कहा नहीं जा सकता। आज मैंने पूरी व्यवस्था पहले से ही करके तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसा ही पुलोवर खरीद लिया है। अब कला देखो शॉपिंग के लिए गई थी अपने बेटे के लिए पुलोवर खरीदने, क्योंकि हुआ यूँ कि एक बार एक पुलोवर उसे काफ़ी पसंद आया, लेकिन उस समय उनके पास पैसा नहीं था वो ख़रीदने के लिए, तो उनके मन में ये काफ़ी बड़ा अफसोस रह गया था। तो उन्होंने सोचा बर्थडे में उसके लिए गिफ्ट करें। देखो बेटा, तुम्हें ठीक आएगा और तुम पर अच्छा भी लगेगा, वो पुलोवर खोल कर मनुष्य को देती है। ओह, सो वंडरफुल पुलोवर मम्मी, आई कांट डिस्क्राइब द डिसेंसी ऑफ योर चॉइस। मनुज, जंच जाओगे भाई इसे पहनकर। पर मम्मी, 2 फरवरी भी आ रही है, याद है ना? अब नीरू कहती है, देखो मेरा बर्थडे भी आ रहा है, 2 फरवरी को है मेरा बर्थडे, आपको याद है ना? धत पगली, बच्चों के जन्मदिन माँ बाप को याद दिलाए नहीं जाते, उन्हें याद रहते हैं। ये बच्चों की गलतफहमी है कि माता पिता को उनकी बर्थडे याद दिलाना पड़ता है, माता पिता को बच्चों का जन्मदिन याद रहता है। हाँ मनुज, हम भूल नहीं सकते। जेब से घड़ी निकालकर मनुज की ओर बढ़ाते हैं, लीजिए हमारी ओर से तोहफा। अब पिताजी भी तैयार थे, उनके पॉकेट में भी था इसके लिए गिफ्ट, तोहफा लेकर देते हैं। स्वीकार कीजिए, बहुत दिन से आपकी फरमाइश थी ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, जियो 100 बरस मेरे बेटे। हाँ मनुज, बहुत बहुत बधाई तुम्हें, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा एक दिन, इसमें 2 राय नहीं हो सकती। इसमें भी कोई शक है? हमारा बेटा ज़रूर राइस करेगा। बस इतना मक्खन मत लगाइए आप लोग, यह नाटक ख़त्म कीजिए। आप सभी एक साथ मिलकर हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगते हैं और मनुज हंसकर झुकता है अभिवादन में और एकांकी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये थी शैल रस्तोगी जी की एकांकी भटकन। तो ये था शैल रस्तोगी जी का एकांकी भटकन, एक छोटी सी एकांकी है, एक परिवार के बारे में है, एक पति पत्नी और 2 बच्चे। बच्चों का एटीट्यूड माता पिता के प्रति क्या है और माता पिताओं का बच्चों के प्रति क्या है, ये उसमें दिखाया गया है। ये उन माता पिताओं पर टिप्पणी है जो अपने काम के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। आजकल के महंगाई के कारण पति पत्नी दोनों को काम करना पड़ता है, लेकिन बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। उन्हें क्या लगता है? बच्चों को लगता है कि माता पिता उनसे प्यार नहीं करते और वे विरोध करने लगते हैं। बच्चों की इस मनस्थिति के लिए कुछ हद तक माता पिता भी जिम्मेदार हैं, यही इस नाटक का संदेश है। एकांकीकार यही कहना चाहती हैं, क्योंकि समयाभाव के कारण वे अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते, क्योंकि समय के अभाव के कारण, लैक ऑफ टाइम, माता पिता बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते। माता पिता को हमेशा कुछ समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए और घर के अंदर का माहौल हमेशा सुखद रखना चाहिए। ये भी एक संदेश है एकांकी का कि घर का माहौल हमेशा सुखद रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ताड़ना ही देते जाएं, प्यार न दें। ऐसे में क्या होता है, बच्चों का व्यक्तित्व एकदम बौना हो जाता है और बच्चों को भी दूसरी तरफ से माता पिता की मुश्किलों को भी समझना चाहिए कि महंगाई के इस अवसर पर घर में माता पिता दोनों का नौकरी करना बहुत ही ज़रूरी है। उनकी जो ज़रूरतें हैं वो यूं ही फुलफ़िल नहीं होती, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो एक तरफ माता पिता को बच्चों की दिक्कतें, उनकी ज़रूरतों को महसूस होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को महसूस करना चाहिए और दूसरी तरफ बच्चों को भी अपने माता पिता की मजबूरियों को, उनकी ज़रूरतों को, उनकी आशाओं को समझना चाहिए। यही शैल रस्तोगी जी की एकांकी भटकन का एक मैसेज है। ओके, सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम हियर।